जी फरहान भाई, अभी ये क्या तैयार कर रहे हैं? भाई लाल से सबसे पहले आए डाले के बाद लहसुन का पेस्ट होगा हमारे पास, वो डालेंगे और स्वाद के साथ बातें करेंगे। अब ये बताते रहे हम, हल्का तो सौते करेंगे, सौते करने के बाद थोड़ी सी कटर चीली उसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करके, अच्छी तरीके से मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमने इसकी चिकन पहले से फ्राई की हुई होगी, जो कोटेड चिकन होती है इसकी। वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और रब करेंगे। करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हम केचप ऐड करेंगे। केचप हम कुकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कनौर का है, कनौर केचप। ये कुकिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्ट हाफ टेबल स्पून, शुगर हाफ टेबल स्पून, वाइट पेपर हाफ टेबल स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साथ साथ इसके अंदर जो है ना पानी ऐड करते रहेंगे ताकि ये ड्राई ना हो। फिर ऑस्टर सॉस, मामा सीटा कहलाता है ये सॉस ऐड करेंगे। रेड चिली सॉस ला देना वहाँ से, रेड चिली सॉस आप कोई भी कंपनी का ऐड कर लें, वैसे हम लोग जो करते हैं संगलीला यूज करते हैं। इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे, और लास्ट के अंदर इसके हम सेसमी ऑयल ताकि शाइनिंग रहे। सेसमी ऑयल के यूज़ किया जाता है शाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि फूड के ऊपर शाइनिंग आती रहे। ये ऑलमोस्ट डन है, अब हम इसको प्लेट के अंदर जो है गार्निशिंग करें। ज़बरदस्त गार्निशिंग हो रही साइड लाइन हमने काटी थी इसकी और ये हल्की थी, ये डिश तैयार हो जाएगी। इसकी अब राइस, अब ये देखें नाज़रीन कितनी ज़बरदस्त और बहुत ही क्विक इन्होंने तैयार किया है फरहान भाई ने, बहुत ही एक्सपर्ट मुझे लग रहे हैं। और आपने इस दौरान सीख भी लिया होगा कि किस तरह से ये बनाते हैं, किस तरह से ये तैयार करते हैं।